हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे बाल विकास के सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने आपको बाल विकास के नियम के बारे में बताया था। नियम में हमने विकास में होने वाले परिवर्तन तथा अधिगम, परिपक्वता तथा कई अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिन अवस्थाओं से गुजरकर बालक का विकास होता है तथा एक परिपूर्ण मानव का विकास होता है। उसी प्रकार हम नियम के साथ साथ कुछ सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बाल विकास का इस सिद्धांत को दिया था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत। जो बाल विकास का सिद्धांत है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का एक प्रमुख स्थान रहा है, जिन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर उनकी क्रियाशीलता तथा उनके बारे में बताया है। तो जीन पियाजे ने उनका जन्म 1896 से 1980 तक का जीवन काल रहा है। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने बाल विकास के अध्ययन के बारे में इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जिसमें बालक की भाषा तथा सोच समझ के बारे में उनका अध्ययन किया था। यह पुस्तक उन्होंने 1926 में प्रकाशित की थी। इसी पुस्तक के माध्यम से बालक की भाषा तथा उसके सोच विचार के बारे में हम समझ सकते हैं। यह पुस्तक बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका अध्ययन आज भी बाल विकास के बारे में करते हैं। जीन पियाजे ने बाल विकास को समझने के लिए तीन पक्षों को प्रमुखता दी है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक, तीसरा पक्ष है आपका क्रियात्मक। इन्होंने जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया तथा ज्ञानात्मक पक्ष पर ही सर्वाधिक प्रकाश डाला तथा इसी पक्ष को बालक के विकास के लिए प्राथमिकता दी गई थी। जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है वही आपका संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। संज्ञान मतलब होता है किस वस्तु को जानना, किस उम्र की में बच्चा किन किन चीज़ों को ग्रहण करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वही आपका संज्ञानात्मक विकास के बारे में होता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष को बताते हुए बच्चों के ज्ञान तथा उनके हाव भाव, खोज तथा सात्विकरण के बारे में पियाजे ने बाल विकास के बारे में बताया है। जीन पियाजे की विकास की चार अवस्थाएं हैं। इन चार अवस्थाओं में पहली अवस्था आपकी संवेदी गामक अवस्था, इसको बोलते हैं सेंसरोमीटर। संवेदी मतलब जैसे छूना, महसूस करते हैं, संवेदी क्रियाओं में आता है। बच्चा छोटा होता है, अपने हाव भाव तथा आसपास के वातावरण को स्पर्श के माध्यम से तथा कई ध्वनि के माध्यम से वह वस्तु को पहचानता है। तो पहली अवस्था है आपकी संवेदी गामक अवस्था, इसे सेंसरोमीटर अवस्था भी कहा जाता है। यह आपके जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था होती है, जो संवेदी गामक अवस्था में आती है। इस अवस्था में छोटे बच्चे में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन आपके इस प्रकार हैं। उस सेंसरोमीटर में जो संवेदी परिवर्तन होते हैं, पहला परिवर्तन है आपका प्रतिबद्ध क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। जब बच्चा जन्म से लेकर के 2 माह का
बच्चे का जन्म नवजात शिशु है, दो माँ माँ का जो बच्चा है उसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटी होती हैं, क्या क्रियाशीलता करता है। पहले जब बच्चा पैदा होता है तो प्रकाश को देखकर ट्यूबलाइट या बल्ब को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है तथा अपनी आंखों से आसपास के वातावरण को देखता है, वो आपकी प्रतिवर्ती क्रिया होती है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो एक माह से लेकर तीन माह तक की अवधि में होती है। एक माह से लेकर तीन माह का जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, वह अपनी गोल गोल आंखों को घुमाता है तथा अपनी माँ को देखता है। द्वितीयक चक्रीय प्रतिक्रिया चार से छह माह, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, इसमें बच्चा किसी चीज को उठाने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथों के साथ साथ वह अपनी पूरी बॉडी को मूवेबल करता है तथा वो पूरे शरीर को घुमा देता है तथा वो चक्रीय रूप से चारों तरफ घूम जाता है। अगर उसको जमीन में लेटाते हैं तो पेट के बल सरककर चार से छह माह का बच्चा वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गोल गोल घूमकर धीरे धीरे चल सकता है, वही आपकी द्वितीयक चक्रीय प्रतिक्रिया का होती है। नेक्स्ट है आपकी द्वितीयक प्रतिक्रिया का समन्वय, जो सेकेंडरी रिएक्शन होती है कोऑर्डिनेशन, अपने आप को हाथ पैरों तथा अपनी बॉडी को किस तरह से संबंध करता है, वो चलता है आपका सात माह से लेकर के दस माह का। जब बच्चा हष्टपुष्ट तंदुरुस्त होता है, सात या आठ माह का बच्चा बैठने लगता है या किसी सहारे से वह बैठने लगता है, तो वह अपनी पूरी बॉडी को एक समन्वय बनाकर अपने हाथ पैरों को तथा अपने शरीर को संभाल कर बैठ सकता है तथा इधर से उधर जा भी सकता है, वो आपका प्रतिक्रिया समन्वय कहलाता है। तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया, तीसरी सर्कुलर प्रतिक्रिया, जो आपकी 10 माह से लेकर के 15 या 17 माह तक की होती है। इसमें बच्चा बैठने के साथ साथ एक या दो कदम चलने भी लगता है तथा 12 या 1 साल होने के बाद वह एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकता है तथा अपनी वस्तुओं को पहचान सकता है, वस्तु स्थित्व को प्राप्त करता है तथा कभी कभी वह निजी वस्तुओं को सजीव समझने लगता है तथा वह अन्य स्त्री को देखकर या अन्य माँ को देखकर अपनी माँ को भी समझने लगता है तथा उसमें एक स्थित्व का गुण आने लगता है। नेक्स्ट आपका अंतिम अवस्था 18 से 24 माह, इस अवस्था में बालक चलते चलते धीरे धीरे 2 वर्ष की अवधि को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में बालक चलने के साथ साथ वह टूटे फूटे कुछ शब्दों को बोलने भी लगता है तथा वह छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर उस सार्थक शब्दों का निर्माण करता है। तो यह आपकी सेंसोरोमीटर की जो आपकी 4 या 5 अवस्था हैं, इन अवस्थाओं में रहकर बालक अपना विकास धीरे धीरे करने लगता है। जीन प्याजे ने इन अवस्थाओं के माध्यम से ही बालक की प्रतिक्रिया तथा क्रियात्मकता के बारे में बताया है। आपने देखा होगा इस अवस्था में बालक अपनी माँ के आंचल में छुपे रहने में ज़्यादा आनंद प्राप्त करता है तथा सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। तो जीन प्याजे की इन चारों अवस्थाओं में जो सेंसोरोमीटर अवस्था होती है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है कि बालक का विकास इसी अवस्था में धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है आपकी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशन अवस्था, जो अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष 3 या 4 वर्ष की आयु में बालक विद्यालय जाने लगता है तथा वह अपने शारीरिक वह मानसिक रूप से अपने आप को व्यवस्थित करता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है तथा उसमें अच्छे या बुरे की समझ नहीं होती है, कभी कभी तो किसी वस्तु को छुपाने की आदत होती है तथा किसी वस्तु के बारे में उसके अंदर अपनत्व की भावना भी होती है। वो चाहता है कि सारे जो सहपाठी हैं, मेरे क्लासमेट हैं, सारी रबड़ पेंसिल हैं, कुछ भी वस्तु हैं, सब मेरे पास हों, उनके अंदर एक संग्रहण की क्षमता होती है, वह सब चीज़ों को अपने पास रखना चाहता है। आप
आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जब विद्यालय आते हैं तो वो ये नहीं समझते कि मैं चोरी कर रहा हूँ, वो चोरी नहीं करता है, उनके अंदर एक संग्रहण की भावना होती है कि सारे रबड़ कटर पेंसिल हो, जो भी बॉक्स हो सब मेरे पास हो, सब कुछ अच्छे पेन मेरे पास हो, तो उनके अंदर संग्रहण की भावना होती है। इस अवस्था में बालक विद्यालय में जाकर अपना विकास करता है तथा 6 या 7 वर्ष का बालक अपने पूर्ण शब्दों का प्रयोग कर शब्द भंडार का बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है अवस्था कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था है, 7 से 12 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था तक आते आते बालक में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक भावात्मक गुणों का विकास होने लगता है तथा दुख दर्द तनाव तर्कण क्षमता कल्पना शक्ति के बारे में समझने लगता है। इस अवस्था में बालक अभाई बातें कल्पनाशील बातें करता है, वह परियों की कहानी भूत प्रेतों की कहानी में इंटरेस्ट लेता है तथा वह आसपास के वातावरण को जानने की कोशिश भी करता है। वो कहता है ये पंखा कैसे चलता है, लाइट कैसे बनती है। कई कई बार तो वह घर में खिलौने या उपकरणों को तोड़कर उनको जोड़ने की कोशिश करता है, अपने विकास को अपने जो मस्तिष्क से है उसको मानसिक रूप से स्वस्थ रखना चाहता है। आपने देखा हो छोटे बच्चों को या किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को तोड़कर अपने खिलौना तोड़ उसको जोड़ने की कोशिश करता है, उसमें खोज प्रवृत्ति की भावना आने लगती है तथा वह नई नई वस्तुओं को बनाकर अपने आप को सृजनशील बनाता रहता है। यही सृजनशीलता उसके विकास के लिए प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में बालक खोजी प्रवृत्ति का होने लगता है। आपने देखा होगा जब बरसात होती है आसमान में उसको इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो इस इंद्रधनुष के बारे में वह पूछता है 7 रंग किस तरह से होते हैं, इंद्रधनुष क्यों बनता है, कैसे बनता है, जब मैं चलता हूँ तो मेरे पीछे पीछे चंद्रमा क्यों चलता है, धूप का आकार घटता बढ़ता क्यों है। तो इसी अवस्था में बालक खोजी प्रवृत्ति के होते हैं तथा वह समूह में रहना पसंद करते हैं और खेल की भावना का विकास इसी अवस्था में होता है। वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त का मतलब इस अवस्था में हम बालक की वृद्धि विकास को बढ़ते हुए देख सकते हैं, उसकी मानसिक संवेदनाओं को बढ़ते हुए देख सकते हैं कि बालक किस क्षेत्र में अपना विकास कर रहा है, वही आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट और लास्ट अवस्था है जिनका अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था विकास की कुछ अवस्था होती हैं जिनमें हम देख नहीं सकते हैं, जिसमें रचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ उसमें विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। उसी प्रकार जो अमूर्त होती है इसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अपने विकास में अपने क्षेत्र में उसको कार्य करते हुए हम देख सकते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, मतलब जो किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था की आयु होती है इसी अवस्था में होती है, जिसमें वह अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए अपने भविष्य को सुनहरा बनाता है तथा वह किसी भी क्षेत्र में अपने कार्य को सर्वोपरि रखता है, चाहे वो अध्ययन का क्षेत्र हो चाहे खेलकूद का माध्यम हो, वह सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील रहता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह अपने अच्छे बुरे तथा समाज के बारे में, समाज में रहकर समाज की रीति रिवाजों मूल्य आचार विचारों को समझने लगता है तथा समाज में एक नई पहचान बनाता है। वह अपने आप को सामाजिक रूप से मानकर समाज में रहना पसंद करता है तथा घर परिवार में अपना एक अलग से स्थान बनाना चाहता है। तो यह आपकी जीन प्याली की विकासात्मक की अवस्था है। इन अवस्थाओं से गुजरकर बालक का संपूर्ण विकास होता है। यही आपका जीन प्याजी का सिद्धांत है।